العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. जैसा कि नगर हिर्द जैसा मिर्जा के दरमियान बात बतलाई गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल खलाइक बनाया। इंसान अल्लाह की दीगर तमाम मखलूक के मुकाबले में अफजल क्यों? इस सिलसिले में मुख्तलिफ बातें बयान की गई। किसी ने कहा कि इल्म की वजह से, किसी ने कहा अक्ल के वाकिफ होने की वजह से, तो किसी ने कहा उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर और शर दोनों को इख्तियार करने का मलका अता फरमाया। इसलिए तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अफजलियत बशर की मुख्तलिफ तौजीहात बयान की गई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो सबसे बड़ी नियामत अता फरमाई वो है नियामत आकल। एक जमाने तक दुनिया में इस पर तफक्कुर और तदब्बुर होता था कि आखिर अक्ल क्या चीज है, लेकिन हमारी 21वीं सदी में चूंकि मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, तो मेडिकल फील्ड की इस तरक्की की वजह से ऐसी ऐसी मशीनें ईजाद की गई, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसे डिजिटल दुनिया कहा जाता है, यानी दुनिया की हर चीज को डिजिटल एंगल से देखा जा रहा है। ऐसे ऐसे मशीन ईजाद किए कि इंसान के बदन की छोटी से छोटी चीज पर भी वो लोग तब्दील कर लेते हैं और उसकी गहराई तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे किसी जमाने में एक्सरे होता था, फिर सोनोग्राफी आया, फिर सोनोग्राफी के बाद आगे चलकर सिटी स्कैन आया, फिर सिटी स्कैन से आगे बढ़कर एमआरआई आया, तो ये तरक्की हो रही है। सालों पहले, आज से 15-20 साल पहले तक जो सोनोग्राफी होती थी उसमें छोटी मोटी चीजें नजर आ जाती थी, उसके बाद सोनोग्राफी आई तो वो बारीकी के साथ चीजों को दिखाने लगी। इंसान की बॉडी में जहां पर भी कोई इफेक्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो सोनोग्राफी के जरिए से मालूम किया जाता जाने लगा। फिर उसके बाद आगे चले, सिटी स्कैन आया और बारीकी के साथ, फिर उसके बाद एमआर आया, तो इंसान की हड्डी, इंसान की रगे, इंसान के आसा, इंसान का खून, ये सारी के सारी चीजों को इन मशीनों के जरिए से क्या किया जाता है, उसकी नकल हरकत को, उसकी पोजीशन को, और वो इस वक्त किस सिचुएशन में है और किन हालात से दो चार है, उसका मुआयना मुशाहदा किया जा रहा है। तो इसी वजह से इंसान के दिमाग पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ आखिरी 10-15 सालों में, खासतौर पर आखिरी 5 सालों में इंसान के दिमाग पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ। तो इंसान पर जो रिसर्च हुआ, इस रिसर्च के नतीजे में यह बात सामने आई कि इंसान का जो ये दिमाग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आता फरमाया है, जो इंसान की बॉडी में रईस और मुदीर की हैसियत रखता है,
सीधे अरबी जबान में कहते हैं अल-क़ल्बु मलिकुन वल-अक्लु वज़ीरुहु। अल-क़ल्बु ये इंसान का जिस्म, ये मुस्तकिल एक दुनिया है, इस दुनिया का बादशाह कौन है? दिल। और उसका वजीर कौन है? अक्ल है। अब सवाल पैदा हो, बादशाह दिल है, इसका मतलब दिल भारी है, लेकिन हकीकत में बादशाह के सारे काम कौन करता है? वजीर करता है। तो असर वो तो किसका होता है? वजीर का होता है। इसलिए आपको ने बहुत पहले ही कह दिया अल-क़ल्बु मलिकुन वल-अक्लु वज़ीरुहु। तो अभी मुस्तकिल इस पर भी तहकीक हुई कि इंसान के कल्ब में फहम तफहीम और किसी चीज का इदराक करने का मलका है या नहीं, क्योंकि कुरान करीम इसके बारे में बयान करता है कि और उसी में कुरान करीम दिल के बारे में बयान करता है कि तुम्हारे कल्ब के बारे में भी पूछा जाएगा। तो जदीद रिसर्च ये कहता है कि इंसान के कल्ब में भी सोचने की सलाहियत। आज से 5-10 साल पहले तक ये कहा जाता था कि कुरान करीम ने जो दिल के बारे में तफक्कुर और तदब्बुर की बात बयान की है ये सही नहीं, साइंस का ये कहना है। लेकिन आज साइंस ने इसको तस्लीम कर लिया है कि इंसान का दिल इंसान के दिमाग की तरह सोचने की सलाहियत रखता है। जब भी कोई चीज का सोचना शुरू होता है तो उसका आगाज पहले दिल से होता है, दिल सिग्नल भेजता है इसके ऊपर, अक्ल के ऊपर, फिर अक्ल उसके दूसरे जाविये को क्या करती है? खोलती है। तो आगाज यहीं से होता है। तो अब जो अल्लाह ने इंसान को यह अक्ल और इंसान को जो दिमाग दिया है, इस दिमाग पर इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात आई है डिजिटल दुनिया के लाइन से। तो हम आपके सामने उसी को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें खुद अपने दिमाग के बारे में मालूम हो कि अल्लाह ने हमें जो ये नियामत अता फरमाई है ये कितनी अजीम नियामत है और ये नियामत कैसे काम करती है, हमें खुद इस नियामत को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे अपने पास आने वाले तलबा को भी इस नियामत के इस्तेमाल करने के ऊपर किस तरह से अमल करना चाहिए। जो इंसान का दिमाग, इंसानी दिमाग अल्लाह ताला का एक मौजजा है जिसे साइंस उसकी फितरत और नौरियत उसके तरीकेकार की शरह के लिए पूरी कोशिश कर रही है, यहां तक कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है उसकी नकाली भी कर दी गई। ये हमारे इर्द गिर्द में जो दुनिया साइंस जो दंगा रही है और साइंस नई नई चीज वजूद में ला रही है और फिर उसके बाद साइंस ये कह रही है कि हम कुदरत का मुकाबला कर सकते हैं, ये साइंस की हमापत। साइंस क्या कर रही है? साइंस का रोल इस दुनिया में सिर्फ ये है कि वो कुदरत की चीजों की नकाली कर रही है। क्या कर रही है? कुदरत की चीजों की, उसका अपना नया कुछ नहीं है, उसके तरफ से अपना नया कुछ नहीं है। वो इंसान के अंदर जो चीजें अल्लाह ने दुनिया में जो चीजें बनाई उसकी, अब जैसे हम देख सकते हैं इंसान की आंख, इंसान की आंख पर रिसर्च किया, आंख ही पर रिसर्च करते 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 ये कैमरा ईजाद करने पर पहुंचे। आमतौर पर होता है कि कैमरा जो होता है कितना मेगापिक्सल का होता है, 15 मेगापिक्सल, 20-25 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन इंसान की आंख के बारे में आता है कि 20,000 मेगापिक्सल की आंख होती है इंसान। कितने की? 20,000 मेगा। इतनी बारीकी के साथ चीजों का मुशाहदा करती है, कलर की तमीज करती है, चीजों को पहचानती है कि, तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 के मुकाबले में अभी ये 50 तक पहुंचे, वो भी उसकी नकल मार के, वो भी उसकी नकल मारकर। इसी तरीके से कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इंसान के दिमाग की नकल है। कंप्यूटर जो है वो क्या है? इंसान की दिमाग। जब उन्होंने देखा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, किस तरीके से दिमाग चलता है, तो उसी की नकल उतारी उन्होंने और उसकी नकल उतारने में वो कंप्यूटर तक पहुंचे। लेकिन आप आगे देखेंगे अभी कि नकल उतारने में अभी ये कुदरत से कितने पीछे है, कुदरत से हजारों लाखों गुना पीछे है अभी। और उसके बाद बोलते हैं हम कुदरत का मुकाबला करेंगे। कुदरत का क्या मुकाबला करेंगे? इसीलिए लोगों ने कहा कि साइंस बहुत दंगा रही है,
कुदरत ने कुछ नहीं किया, ऐसा वायरस छोड़ा जो नजर भी नहीं आता, ऐसा वायरस छोड़ दिया जो नजर भी नहीं आता, और पूरी दुनिया का निजाम क्या हो गया, ठप हो गया। कितने महीने होने जा रहे हैं, दिसंबर से शुरू है चाइना से, यानी एक साल हो जाएगा दो महीने के बाद, और हमारे हिंदुस्तान में भी तकरीबन 7-8 महीने, अगर मार्च से भी गिनो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 7 महीने हो गए। ऐसा लग रहा था महीने दो महीने तीन महीने होंगे, अभी तक वैक्सीन नहीं आई, ऐसा कहते थे कि 2020 के आखिर तक आएगी, बाद में कह रहे थे 21 के आखिर तक आएगी, अब तो इतने परेशान है कि ऐसा कहते हैं कि शायद 24 तक आएगी, यानी बिल्कुल सरेंडर कुदरत के सामने क्या हो गया, बिल्कुल सरेंडर हो चुके। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं नुमली लहु सुम वकई दी मती, कि हम डील लेते हैं और जब पकड़ने पर आते हैं तो ऐसा कस के खींचते हैं कि फिर हमारे जुर्मों से वो बच सकते नहीं। तो इस मौजू पर हम कुरान और सुन्नत के एजाज के साथ साथ कुछ चीजों के बारे में जानेंगे जो साइंस के इंसानी दिमाग के बारे में दरिया करती है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस ने इंसान के दिमाग के बारे में क्या कहा, और वो डिजिटल मशीनों के जरिए से उसकी गहराई तक, उसके उमूर तक पहुंचने के बाद किन नतीज तक पहुंच रहे। तो सबसे पहले इंसानी दिमाग के अज्जा और पार्ट्स, इंसानी दिमाग जो है ये इसीलिए कहते हैं ना कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी, क्या कहते हैं, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। तो अकलमंद लोग होते तो कहते हैं कि भाई अकल बड़ी, और अकल बंद होते तो कहते हैं कि भैंस बड़ी, इसलिए कि अकल तो इतनी सी है। तो फिर ऐसे लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है कि अकल इतनी सी है, लेकिन इतनी सी अकल के अंदर भैंस भी समा जाती है, भैंस नहीं भैंसा समा जाती है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि भाई अकल बड़ी और भैंस बड़ी ये सवाल ही गलत, अगर वो करता है तो क्यों गलत है, इसलिए कि अकल को भैंस से कोई जोड़ी नहीं, दोनों बिल्कुल जिन से अलग है दोनों की, तो दोनों का एक दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो ये इंसान का जो दिमाग है, इंसान के दिमाग के अंदर में इसके साइंस का ये कहना है, अभी तक की जो तहकीक तक पहुंचे हैं, अभी मुसलसल इस पर तहकीक जारी है, तो ये कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ये ऊपर लिखा है अलमुख, जिसको कहा जाता है बड़ा दिमाग उर्दू के अंदर, उसके बाद अलमुखैफ जिसको कहते हैं छोटा दिमाग, ये इधर उधर पीछे की तरफ इंसान का ये सर जो होता है, उसके बाद उसके पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, नजर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो इंसान का जो दिमाग है हमारे वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, ये वायर की जरूरत हो गई, इसको गिरा देना, जी इंसान का जो दिमाग है, अब आए और इंसान का जो दिमाग है उसको तीन हिस्सों में तकसीम, चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी दिमाग जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम है। अलमुख जिसको हम बड़ा दिमाग कहते हैं, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, यहां अंदर की तरफ जो भेजा निकाल के खाते हैं, तो वो जो भेजा है वो ही क्या है, अलमुख और कबीर है, यानी अपना दिमाग बकरे का गाय का भैंस का जो निकाल के खाया जाता है, तो वो जो हिस्सा है उसको कहते हैं बड़ा दिमाग, और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है बिल्कुल गर्दन से करीब लगकर, इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ नहीं मारना चाहिए, छोटा दिमाग होता है यहाँ, वो डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये उसको कहते हैं, जिसको अरबी में लिखा है अलमुखैफू, ये इसमें तस्वीर है, मुख की तस्वीर है, यानी छोटा दिमाग, और अलमुखाउल मुस्ततील ये उसके बाद जो गर्दन से बिल्कुल लगकर हिस्सा है, तूल में जो इंसान के दिमाग का पूरे बॉडी के साथ कनेक्शन जोड़ता है उसको कहते हैं अलमुखाउल मुस्ततील, के ये कनेक्शन जोड़ने वाला, क्या मतलब कि इंसान के दिमाग में जितनी भी हरकतें होती हैं, इंसान बोलता है, इंसान देखता है, इंसान सोचता है, और इंसान ये सारे के सारे सिग्नल इसके जरिए से
यानी आप देखते हैं कि इंसान एक ही वक्त में अपने दोनों हाथ भी हिलाता है, दोनों पांव भी हिलाता है, जबान भी हिलाता है, अपनी आंखों से देखता भी है, अपने कानों से सुनता भी है, अपने हाथ से किसी चीज को छूता भी है, अपने बदन को भी हरकत देता है, ये सारी चीजें करता है। और ये ऐसे ही नहीं होती है, ये सारे सिग्नल उसको अक्ल से मिलते हैं। सारे सिग्नल कहां से मिलते हैं उसको? अक्ल से। अक्ल से अगर ये सिग्नल मिलना बंद हो जावे तो इंसान की हरकत बंद हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि लाइट बिजली चलती है, तो ये वायरिंग है। ये जो अनोखा और मुस्ततील जो है, ये क्या है? वायरिंग है। ये वायरिंग के जरिए, इसलिए अभी मैं पढ़ रहा था कि इसमें लिखा है कि इंसान के दिमाग में जो बिजली होती है वो कितनी होती है? 12 से लेकर 25 वोल्ट के बराबर, जिससे एक बल्ब जलाया जा सकता है। इंसान के दिमाग में बिजली से काम चलता है, इसलिए बिजली जो बनाई गई उन्होंने, ये बिजली भी इंसान की बॉडी में, ये हमारा बदन जो काम करता है, ये किससे काम करता है? हमारे बदन में पावर है, बिजली है। हमारे बदन में क्या है? पावर। और उसी बिजली की वजह से, जैसे हम देखते हैं छोटे से खिलौने होते हैं, उसमें सेल डालो तो चलते हैं वो, और सेल निकाल दो तो, वैसे ही इंसान के दिमाग से भी अगर ये पावर खत्म हो जाए। इसीलिए अभी वालिद साहब का जो ऑपरेशन हुआ दिल का, पेसमेकर रखा गया, और मैं डॉक्टर साहब को लेकर बैठा, डॉक्टर बजाज को। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले मेरे को समझाओ कि मां दादा ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो फिर वो कंप्यूटर उन्होंने बोला होगा लैपटॉप, और उन्होंने मुझे समझाया। तो क्या समझाया वो? उन्होंने कहा कि असल में ये है कि इंसान का जो दिल है ये पंपिंग करता है। जब ये पंपिंग करता है तो पंपिंग करने से खून जो होता है पैदा भी होता है, मुतहर्रिक भी होता है, और उसमें हरारत भी पैदा होती है। बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। कहा कि उसकी पंपिंग की जो मिकदार है कम से कम एक सेकंड में 90 पल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 90 पल्स। 90 मरतबा उसके धक्कारे होने चाहिए। अगर उससे कम होते हैं तो फिर इंसान का खून मोटा होना शुरू हो जाता है। खून मोटा होना क्या हो जाता है? और जब वो खून मोटा होना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसका जितना पीरियड है पूरी बॉडी में घूमने का, उतने वक्त में वो घूम नहीं पाता। जब वो घूम नहीं पाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बदन के दूसरे आज़ा पर इफेक्ट उसका क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है कि कभी किडनी खराब होगी, कभी फेफड़े खराब हो जाएंगे, कभी ये। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को डैमेज करना शुरू। क्यों? इसलिए कि जैसे ही ताखीर होती जाती है वो ताखीर बीमारियों को लेकर आती है और चीजों को अंदर से डैमेज करना शुरू करती है। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये पेस्ट मेकर जो आप डालेंगे ये करेगा क्या? तो हंसने लगे। तो उसने कहा कि असल में ये पेस्ट मेकर जो होता है, ये पेस्ट मेकर क्या करता है? कहा कि हम लोग यहां पर दिल पर ऐसी छोटी सी चीप की तरह नीचे जगा करकर रख देते हैं, उसके अंदर बैटरी होती है जो कम से कम 10 साल चलती है, और फिर उसमें से उस चीप और उस मशीन में से पेस्ट मेकर में से दो वायर होते हैं, उन दो वायरों को हम दिल के उस जगह पर छोड़ देते हैं जिस जगह से पंपिंग होती है। जिस जगह से क्या होती है? पंपिंग होती है। जब उसको वहां पर छोड़ते हैं तो ये उसमें बिजली होती है, तो चूंकि वो पंपिंग होती है बिजली से, और वो जो उसकी पंपिंग कम हो गई है उसके अंदर बिजली की मिकदार के कम होने की वजह से, तो ये जो पेसमेकर है वो उस मिकदार जो बिजली की कम हुई है उस मिकदार को जितनी जरूरत है ऑटोमेटिक उतनी मुहैया करता है। तो फिर उसके पल्स बराबर क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं, और इंसान का दिल बराबर काम करने लगता है, उसके पल्स बराबर हो जाते हैं और खून बराबर दौड़ने लगता है, तो इंसान फ्रेश हो जाता है। इसीलिए जब वालिद साहब को एक तकलीफ हुई तो वो 3 या 2 कदम के बाद थक जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लगाने के बाद अब कोई तकलीफ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा खेल है करंट का। ये पूरा खेल किसका है? करंट का। इसलिए अगर हम स्विच बंद कर देंगे तो लाइट क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो असल ये करंट मुहैया करने वाले दो चीजें हैं, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। ये पूरे बदन के अंदर में करंट
ये जो है पावर हाउस है दिल, ये पावर हाउस सप्लाई करता है दिमाग को, और फिर दिमाग करंट के साथ साथ दूसरे सारे सिग्नल वहां से क्या करता रहता है, छोड़ता रहता है जिस्म के हर उज्व तक। इस तरीके से इंसान का यह पूरा जिस्म क्या करता है, काम करता है। तो ये है अल्मुखु और उसके बाद उसकी वायरिंग जो है उसको बताया गया। एक इंसानी दिमाग में तकरीबन 10,000 असबी खलीय सेल्स और 1,000,000 शाखों वाले सेल होते हैं। एक इंसानी दिमाग में तकरीबन 10,000 असबी खलीय, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, असबी खलीय क्या मतलब, सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो उसमें सेल किस्म है असबी खलिया। तो जो असबी खलिया जो होता है वो दूसरी जगहों पर कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका कहां पर पाया जाता है, वो दिमाग पर पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि दिमाग को उसको पूरी बॉडी को मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट उसको संभालना है, उनको हर चीज को उसको लेकर चलना है, लिहाजा इस बिना पर उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कहा कि 10,000 तो असबी खलिये होते हैं, और फिर उसकी सपोर्ट के लिए 1,000,000 शाखों वाले सेल और होते हैं। 1,000,000 का मतलब तकरीबन 1,000 अरब, 1,000 अरब यानी 1,000,000 होता है। तो 1,000 अरब, और 1 अरब होता है 100 करोड़ का, 1 अरब कितने का होता है 100 करोड़ का, और 1,000 अरब का होता है 1 खरब। यानी दिमाग के बारे में मालूम हासिल करें तो दिमाग ही काम करना छोड़ दे ऐसा है। अरे उसके साथ वो लगाना शुरू करें, 0,0 लगाना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से इसके साथ तकरीबन 26 जीरो आते हैं। एक के साथ कितने जीरो आते हैं, 26 जीरो, जब जाकर 1 खरब लिखा जाता है। तो एक हाँ ये भी दिमाग ही बोल रहा है, आसादी इशारे सिग्नल दिमाग के अंदर तकरीबन 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हैं, जो दुनिया की तेज तरीन कार से भी तेज। क्या मतलब, दो चीजें हैं, एक चीज मैंने आपको कल बताई और दूसरी ये चीज, दोनों अलग अलग चीजें। एक तो है कि वो जो सिग्नल है वो कितनी स्पीड से बदन के अंदर में काम करते हैं, यानी पूरे बदन पर अपने सिग्नल को छोड़ते। कहा कि 420 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो सिग्नल भेजते हैं। लेकिन कल मैंने आपको जो बताया था 3,00,000 एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की फी स्पीड, वो क्या था, इंसान के दिमाग के अंदर में चलने वाला ख्याल। यानी एक है दिमाग मैनेज कर रहा है बॉडी को, तो ये उसकी बात हो रही है। लेकिन इतनी 420 की स्पीड के लिए दिमाग को चलना पड़ता है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसके लिए इंसान के दिमाग को कितने चलना पड़ता है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलना पड़ता है, जब तब जाकर वो 420 की स्पीड में अपने सिग्नल बदन के अंदर में क्या कर सकता है, भेज सकता है। वरना क्या होगा मालूम, अगर ये स्लो हो जावे तो क्या होगा, इंसान आंख जितनी देर में हम आंख खोलते हैं ना, आंख खोलते खोलते बहुत देर लगेगी, तो इंसान की गाड़ी बिल्कुल लोकल बन जाएगी, इंसान की गाड़ियां हो जाएगी। जैसे हम इतनी स्पीड में हाथ हिलाते हैं, ये हम हाथ नहीं हिला सकते। अगर ये इतनी स्पीड में दिमाग काम ना करे और इतनी स्पीड में सिग्नल ना छोड़े तो हम हाथ नहीं हिला सकते। फिर हम हाथ हिलाएंगे यूं बिल्कुल तरतील से भी ऊपर। दिमाग में बहुत सारे खून की रगे होती है जिसकी लंबाई का तखमीना 750 किलोमीटर लगाया जा सकता है, ये अंदाजा है सिर्फ दिमाग की रगे। पूरी बॉडी की रग मैंने कल आपको बताया है कि एक इंसान के दिमाग से अगर छोटी बड़ी तमाम नसों को निकाल दिया जावे तो एक इंसान की रगे पूरी जमीन पर फैल जाती है। एक इंसान की रगे पूरी जमीन पर फैल जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग में इतना सा दिमाग है, दिमाग तो हमारे जिस्म के मुकाबले में 5% ही होगा, तो ये है इसमें 750 किलोमीटर की लंबाई के बराबर इंसान के दिमाग में रसे रखे हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास इतना बड़ा मोबाइल होता है, मोबाइल में मेमोरी कितनी होती है, उससे बड़ी होती है, इतनी सी होती है। ये कहां से सिखाई, ये यहां से सीख के लाए,
इंसान के दिमाग में ये जो हिस्सा बताया जा रहा है जिसकी तरफ एरो से इशारा कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। क्या मतलब? ये दिमाग की मेमोरी है। ये क्या है? दिमाग की मेमोरी है। हाज़िहिल मिनतक़तु अल्लती बिल्लौनिल अज़रक, बिल्लौनिल अज़रक का मतलब क्या है? ब्लू कलर, ब्लू कलर में है। तो सम्मा तहतवी अला, जिसका नाम रखा जाता है हिप्पोकैम्पस, तहतवी अला ज़ाकिरतिन तबलुगु मसाहतुहा अल्फ टेराबाइट अय हवाले मिलियन जेजाबाइट وهي ما تعادل مساحة 3 مليون ساعة فيديو والتي تستغرق لمشاهدتها حوالي 300 سنة مستمرة। आप देखिए, मैंने जो अभी करंट तहकीक पढ़ी है वो तो इससे ज्यादा है। यहां पर जो तहकीक लिखी है उसमें क्या लिख रहे हैं कि इंसान के दिमाग में ये आप देख रहे हैं कितना छोटा सा, जैसे मेमोरी होती है उससे भी छोटी हो, हमारे मोबाइल में जो चिप होती है उससे भी छोटी मिलता होती है उसकी, उतना सा ये हिस्सा है। कहा कि ये कितना होता है, तब लोगो मसाहत वहां अल्फ टेराबाइट, 1000 टेराबाइट, यानी 1 मिलियन जीबी, यानी 10 लाख जीबी के बराबर। वही मातवाद मसाहत 3 मिलियन साफियो, इस इंसान के दिमाग में 3 मिलियन घंटे की वीडियो को महफूज किया जा सकता है। 30 लाख घंटे की वीडियो को क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसको देखने के लिए जो रिकॉर्ड हुआ है मुसलसल 307 आदमी बैठा रहे जब जाकर उसको देख सकता है। कितने साल तक? 307। और उससे हैरत करने की बात, ये जो अरबी वालों ने लिखा है ये पुराना है, अभी की जो जदीद तहकीक हुई है वो ये कहती है कि इंसान का दिमाग जो है 1 मिलियन जीबी का नहीं है बल्कि 2.5 मिलियन जीबी होती है, यानी इससे डबल और उसके बाद आधा, यानी तिब्बत के करीब करीब 25 लाख। तो अगर उस 25 लाख को करो तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाते हैं तो तकरीबन 7.5 मिलियन क्या हो जाता है उसके, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख घंटे उसके अंदर में महफूज हो सकते हैं। हाँ जी, 3 मिलियन साफियो, अब इसको डबल करेंगे 3 × 3 = 6 और दूसरे 5 × 15 तो 75 हो गया, यानी 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख घंटे की वीडियो को इसके अंदर में मेमोरी किया जा सकता है। अब इसको जब 307 तो उसको देखने के लिए 750 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 307 इसके लिए है तो उसको आप डेढ़ पट करो तो कितना हो गया? 750 साल लगेंगे। ये है इंसान के दिमाग की कैपेसिटी, इंसानी दिमाग की जबरदस्त ताकत। अगर इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर होता तो ये 1 सेकंड में 38 ट्रिलियन काम ऑपरेशंस कर लेता। इंसान का दिमाग अगर एक कंप्यूटर होता तो 1 सेकंड में 38 ट्रिलियन कितने? 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है तो 38 ट्रिलियन है ये, 38 ट्रिलियन है यानी तकरीबन 38,000 बिलियन, 38,000 बिलियन हो जाता है। तो कहा कि ये इंसानी दिमाग का जखीरा करने की जगह महदूद है और ये कंप्यूटरों या दीगर आलात के बरस मुकम्मल तौर पर पूर्ण नहीं की जा सकती, ये पूर्ण हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंसान जीता तो 60-70 साल है और उसकी कैपेसिटी तो तकरीबन पहली तहकीक के मुताबिक 307 और दूसरी तहकीक के मुताबिक 750 साल के बराबर होती है। यानी अगर किसी जमाने में इंसान 600-700 साल भी जीता था, इसका मतलब यह है कि नजरिया इतना गलत है, अल्लाह ने इंसान को पहले से ही इतना दिमाग दिया हुआ है। दिमाग एक दिन के दौरान तकरीबन 50,000 ख्याल या नजरिया अमल दरामद करता है। इंसान के दिमाग में
एक दिन में वो जो सोचता है मुख्तलिफ चीजें, तो कितने ख्याल आते हैं इंसान के दिमाग में, ज्यादा नहीं सिर्फ 50,000। कितने ख्याल आते हैं इंसान के दिमाग में, 50,000 ख्याल इंसान के दिमाग में घूमते हैं, और ये गुमान किया जाता है कि उनमें से 70 मनफी नजरिया होते हैं। 70% कैसे होते हैं, मनफी नजर, यानी उल्टा ही सोचता है, सीधा कम सोचता है और उल्टा ज्यादा सोचता है। जो सोचना चाहिए यानी जहां दिमाग दौड़ाना चाहिए वहां कम दौड़ाता है, और जब नहीं दौड़ाना चाहिए वहां क्या करता है, ज्यादा दौड़ाता है। इंसानी दिमाग दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर से 585 गुना ज्यादा तेजी से कार्रवाई कर सकता है। ये जो दिख रहे ना आपको, ये फोटो, ये कबाट नहीं है, लई सहादा कबाट, ये क्या है, ये दुनिया के सुपर कंप्यूटर, यानी दुनिया के सबसे तेज तरीन चलने वाले कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। ऐसे 585 कंप्यूटरों को लगाया जावे तब जाकर इंसान का दिमाग काम करता है। ये अभी जो बिल्कुल करंट 15-20 दिन पहले की तकनीक, वो तो ऐसा कहती है कि 585 नहीं, 80,000 ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी इंसान के दिमाग के बराबर काम करने तक पहुंचने के लिए। 585 नहीं बल्कि 80,000 ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। 2015 में दुनिया की चौथी ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर ने इंसानी दिमाग के 1 सेकंड की हरकत का तखमीना लगाने में 40 मिनट का वक्त लिया। यानी इंसान का दिमाग जो काम करता है, उस काम करने के लिए जब इतने कंप्यूटर लगाए गए, तो इन कंप्यूटरों ने, कंप्यूटर ने 40 मिनट में वो काम किया जो इंसान का दिमाग 1 सेकंड में करता है, जो इंसान का दिमाग 1 सेकंड में करता है। और अभी जो तकनीक है वो ये कहती है कि 80,000 कंप्यूटर मिलकर 4 मिनट काम करे सुपर कंप्यूटर, तब जाकर इंसान के दिमाग के 1 सेकंड के बराबर काम कर सकते, इंसान के दिमाग के 1 सेकंड के बराबर काम कर सकते। इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है, दिमाग दरअसल एक लम्हे मुतअद्दद काम मल्टी टास्किंग नहीं कर सकता, लेकिन होता यह है कि दिमाग तेजी से हर अमल के मामले बदल जाता है। जैसे फोन पर बात करना और खत लिखना, और यह साबित हो चुका है कि इस तरह करने से दिमाग की कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ता है। क्या मतलब कि इंसान का दिमाग बयकवक्त मुतअद्दद काम नहीं कर सकता, मगर वो इतना तेज चलता है कि अगर इंसान एक वक्त में मुतअद्दद काम करना चाहे तो वो मुमकिन है। क्यों, इसलिए कि वो इतना तेज काम कर कि एक तरफ बात करने वाले को बात का जवाब दे, दूसरी तरफ अगर कुछ लिखना है तो वो लिखे, तीसरी तरफ सामने वाले को आंख से कुछ इशारा करना चाहे तो इशारा भी करे, और चौथी तरफ एक दूसरे हाथ से पानी पीना चाहे तो पानी भी पिए, तो सारे काम एक साथ कर सकता है। तो कहते हैं ना, इमाम दारुकुतनी के बारे में आता है कि दारुकुतनी हज के लिए गए, तो अरफा में पहुंचे तो अरफा में देखा कि 2 मुहद्दिस हदीस सुना रहे हैं। अब उनको दोनों से सुनना था और दोनों बैर वक्त पढ़ा रहे, तो दारे कुतुबनी क्या किया, इससे पहले भी आपको सुनाया मैंने, वो बीच में बैठ गए। अब जब सबक खत्म हुआ तो कुछ मस्ती करने वाले होते साथी, तो वो सब उनके आजूबाज जमा हो गए, कहा कि खैरियत तो है, दिमाग दुमाग काम कर रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले नहीं उधर बैठा और नहीं इधर बैठा, ला हा उला, बोला हा उला, मुझे बिल्कुल बीच में बैठ गया, तो सुना जिसको तुने, तो इनको आ गया गुस्सा। दारा पत्नी ने कहा इधर किधर बैठा था, ये हल्के में जरा बैठ, तू किधर इधर बैठ, आगे शेख ने कौन सी हदीस सुनाई बता, वो नहीं बता सकता, इधर वाला भी नहीं बता सकता, कहा सुन, तो इधर तो शेख ने हदीस सुनाई थी, वो भी सनद के साथ उस मजलिस की सारी हदीसें बगैर गलती की सुनाई, और इधर वाले की भी सारी हदीसें बगैर गलती की सुनाई। यानी इंसान का दिमाग इतना, उन्होंने सही माने में दिमाग इस्तेमाल किया, आइंस्टाइन का दिमाग इस्तेमाल करना, ऐसे हजारों दारे कुतुबी हमारे यहां पर गुजरे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए। नींद की गोलियों से दर हकीकत हमें नींद नहीं आती, बल्कि वो गोलियां दिमाग को कोमा की तरफ कर देती है, और उस वजह से दिमाग या इस हालत में नींद के फवायद से कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। नींद की जो गोलियां खाती है, तो नींद की गोलियां खाने से ऐसा नहीं होता है कि हमारा दिमाग के ऊपर उसका वो कुछ नहीं कर सकती है,
ऐसा नहीं कि जैसे कंप्यूटर बंद करना हो तो लाइट बंद कर दो तो बंद हो गया, तो नींद की गोली खाया तो कंप्यूटर दिमाग बंद हो गया, दिमाग बंद हो तो आप काम कैसे करेंगे, दिमाग बंद हो जाए तो सो भी नहीं सकते, दिमाग बंद हो गया तो, इसलिए कि दिमाग कैसा है, ये पावर हाउस है और ये डीपी है, डीपी उड़ गई तो क्वार्टर में लाइट रहेगी नहीं रहेगी, तो इसलिए वो दिमाग पर कुछ नहीं कहा, तो ये होता है कि कोमे में डाल देता है कुछ देर के लिए, वरना उसका दिमाग का काम करना बंद होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना अरबी के अंदर में शराब को खमर कहा जाता है, यानी कुछ देर के लिए उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, भूल जाना इंसानी दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसी मालूमात जो मुफीद या जरूरी नहीं उसके हजम हो जाने से आसाबी निजाम उसकी कारकर्दगी को बरकरार रखने में मदद मिलती है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि भूल जाना ये नियामत भी है और जहमत भी है, बाज़े मरतबा नियामत है और बाज़े मरतबा जहमत है। अगर आदमी किसी चीज को याद रखना चाहिए बेतवज्जुही कर कर भुला देता है तो ये जहमत है, और कोई चीज ऐसी है जो इंसान के दिमाग पर इंसान के जिस्म पर गलत असर डाल सकती है उसको भुला देता है तो उससे इंसान को फायदा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे औरत अगर अपने दर्द जह को याद रखे तो एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हम आपस में ताल्लुकात है, कभी झगड़ा हो गया या बीवी का झगड़ा हो गया, बाप बेटे के दरमियान कभी कुछ हो गया, कभी भाई भाई के दरमियान कुछ हो गया, कभी माँ बहन के दरमियान कुछ हो गया, तो कुछ दिन के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर उसको याद रखें तो कभी एक दूसरे के साथ वो बात ही न करें। तो इसलिए भूलने के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू हैं। शराब नोशी भूलने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती, बस इतना होता है कि दिमाग आधी मुद्दत के लिए वाकयात की रिकॉर्डिंग करने की सलाहियत खो देता है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने शराब पीने से मना किया, क्यों? इसलिए कि शराब पीने के बाद इंसान शराफ इंसानियत से नीचे उतर जाता है। शराब पी लेता है आदमी, ऐसा गुजरता है, नहीं कपड़े के ठिकाने, नहीं खुद का हाल मालूम, और कहता है कि मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम हूं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो शरीयत के जो मकासिद है, मकासिद शरीयत में से क्या है, तहफ्फुज़े दीन, तहफ्फुज़े जान, तहफ्फुज़े माल, तहफ्फुज़े नस्ल और तहफ्फुज़े इज़्ज़त, इंसान की इज्जत पामाल होती है इसमें, तो मकासिद शरीयत के खिलाफ, इस वजह से शरीयत ने उससे मना किया। चाहिए एक हैरत अंगेज चीज ये है कि आज की साइंस ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मर्दों और औरतों के दिमाग में फर्क होता है, जो साइंस पिछले 2000 साल से आलम इस्लाम को डैमेज करने के लिए और पूरी दुनिया को शराफत से निकालकर हवासत की तरफ ले जाने के लिए औरतों के तहरीके निस्वा की तहरीके जिसने चलाई आजादी निस्वा की, तो आज उसको भी इस बात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि इंसान में मर्द और औरत दोनों के दिमाग के काम करने की सलाहियतें बहुत अलग है। एक रिवायत जैसे है عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنه وتكثرن العشيره ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لي لب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المرء مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضر لم تصل ولم تصم قال بلى قال فذلك من نقصان دينها। तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर का गुजर औरतों के पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहतें की, नसीहत करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों से नसीहत की कि तुम कसरत से सजदा किया करो, क्यों? कहा कि मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा। तो औरतें कहने लगी कैसा क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसलिए कि औरत लान तान बहुत करती, जरा कुछ हुआ कि शुरू पड़ जाती, उसकी जबान को लगाम नहीं है, और अपने शौहर की नाशुक्री बहुत करती। इसलिए कहते हैं कि एक जमाने तक आप उसके साथ उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करते रहो, एक दिन उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो गया तो वो शुरू कर देगी, मा रअयतु खैरन मिनका, मैंने तुझसे कभी कोई खैर देखी नहीं, जबकि दसियों साल महीनों दिनों के अंदर में कभी उसकी मर्जी के खिलाफ हो गया तो पीछा से भूल जाती है। तो कहा कि तकुन राशि,
तो फिर उन्होंने फरमाया मा रायतु मिन नाकिसात अक्ल व दीन अذهب للدب الرجل الحازم من احدكن ज़हीन तरीन इंसान को भी उसके मकसद से हटाने में और उसको फरेब देने में औरत से ज्यादा अगरचे वो नाकिसात अक्ल है मैंने किसी को माहिर पाया नहीं। तो औरतों में से एक औरत ने सवाल किया ओमान उस्तान औरतों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमको नाकिसात अक्ल कह दिया तो हमारी अक्ल क्यों कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलैस शहादत अल-मर्अति मिथ्ल निस्फ शहादत अर-रजुल क्या नहीं देखते कि मर्द के मुकाबले में औरत की शहादत निस्फ है इसलिए कि दो औरत एक मर्द के बराबर शहादत देती है। तो कहा बला हुजूर ने कहा फदालिक मिन नुकसान अक्लिहा तो ये उसके अक्ल के कम होने की तरफ निशानी दलालत है। तो फिर वो कहने लगी कि फिर दीन में हम कम है क्या मतलब। कहा कि जब हैज आता है तो ना रोजा रोजे की भी छुट्टी नमाज की भी छुट्टी। तो कहा कि हाँ का फदा देगा कि नुकसान ही दीन हाँ। तो कहा कि तुम्हारा दीन कम है कि नमाज जैसी अहम तरीन इबादत महीने में 8-10 दिन छुट्टी पढ़ती नहीं हूं। तो अब तय कर रहे हैं कि मर्द का दिमाग औरत के मुकाबले में 10% बड़ा होता है यानी उसकी जो क्या कहते हैं उसका हजम जो है वो भी बड़ा होता है। ये देखो इसे तस्वीर में आप देख सकते हैं इंसान दिमाग मुस्तकिल ज़हनी मुहर्रिक की हालत को तरजीह देता है खासतौर पर मर्द का। ख्वातीन फैसला करने में मर्दों से ज्यादा वक्त लेती है लेकिन दिमाग की मुख्तलिफ तरतीब के सबब ख्वातीन अपनी राय पर कायम रहने जिद करने में मर्दों से ज्यादा सख्त होती है। तो ये देख रहे अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे तो मर्द का दिमाग औरत के दिमाग के मुकाबले में बड़ा है जाहिरन भी बड़ा है तो बातिनन तो बड़ा होता ही है। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने कहा कि औरत बहरहाल इसको अमीर नहीं बनाया जा सकता इसको हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता है इसको मर्द अर-रिजाल कवामून का जो मर्तबा मर्द को दिया गया वो औरत को दिया जा सकता नहीं। दिमाग की सेहत का ख्याल रखें दीन के दौरान। अब इंसान का दिमाग कैसे सेहतमंद रहे तो कहा कि दीन के दौरान कैलूला दिमाग के इस्तेदाद को बढ़ा सकता है। साइंस ने इसको तस्लीम किया है कि इंसान सुबह उठ जाए फजर से पहले जल्दी से उठकर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देवे अपना काम शुरू कर देवे और फिर उसके बाद 6-7 घंटे के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अब आधा घंटा वो सो जाए हम लोग तो 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं और फिर भी बोलते हैं यार आज नींद बराबर नहीं आई। तो आधा घंटा काफी है वो कहते हैं कि आज 2 घंटे बहुत कम से बोले कितना सिर्फ 1.5 घंटा से ऑलरेडी 3 पट हो गया। इसलिए देखो यहां आगे लिखा है दिन के दौरान कैलूला दिमाग के इस्तेदाद को बढ़ा सकते क्योंकि यह साबित हुआ कि दिन के वस्त में 30 मिनट सोने से दिन की बाकी दिन पर तवज्जो देने और याद रखने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। लेकिन ज्यादा सो लेने तो फिर शायद सलाहियत कम भी हो सकती है। चॉकलेट की बूंद से दिमाग के अंदर थेटा नामी लहरें बढ़ जाती है और इससे इंसान को आराम और दिमाग को साफ करने में मदद मिलती है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मत खाना शुगर वाले मत खाना है तो बोलेंगे कि ये तो दिमाग बढ़ाता है तो अपने चॉकलेट खाना क्या कर दो शुरू कर दो। ये इन्होंने अपना एक तजुर्बा बताया है कि भाई हमें ऐसा लगा कि चॉकलेट खाने से यानी कभी इंसान जहनी तौर पर परेशान हो तो ऐसे एक चॉकलेट मुंह में डाल दिया तो क्या हो जाता है थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। हाँ सिर्फ मुंह से यानी खाने की जरूरत नहीं समझ में। इसीलिए आप देखेंगे यहां से एक बात अभी समझ में आ रही है कि सिर्फ जब चॉकलेट की वो ऐसी इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया सलास दुनिया में 3 चीजें मुझे महसूब की गई उसमें से हुजूर ने फरमाया खुशबू रिहु तय्यिब खुशबू। इसका मतलब ये है कि खुशबू से इंसान के दिमाग के ऊपर अच्छे असर मुरतब होते हैं। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं बल्कि अच्छा इत्र भी हो ऐसा नहीं साबुन जैसा हो के बजाय काम करने के जो थोड़ा बहुत काम करता है कुछ तो ऐसे ऐसे इत्र निकले हैं कि बदबू और खुशबू में तमीज करना भी मुश्किल हो जाता है। समंदरी गिजा मछली वगैरह दिमाग का सबसे फायदेमंद खाना है जो मेमोरी को 15% बढ़ाने में मदद करता है। आगे मछली वगैरह के खाने से वैसे भी हमारे माशरे में मशहूर है कि मछली ज्यादा खाने से दिमाग चलता है। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिमाग की तवज्जो मरकूज हो जाती है और खुशी के जज्बात में इजाफा होता है। लो आपकी वर्जिश भी आ गई
इसलिए जो लोग वर्जिश में कोताही कर रहे हैं कल से शुरू करते वो भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे क्या क्या अभी क्या वर्जिश कर रही है। एक साहब कहने लगे कि 2-4 साल पहले शुरू करना था, नहीं तो शबाब यहूद बोले आप नौजवान कैसे लौट, मैं बोला जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी से लौट के आएंगे जवानी। तो ये दिमाग के सिलसिले में कुछ मालूमात थी जो हमने आपसे कल कहा था, तो जमा कर आपके सामने बयान की, और अगर इस पर मजीद कुछ मिलेगा तो इंशाल्लाह आगे आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। सुभान अल्लाह बिहम्दिही। ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.